કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આ સે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ છ માં આપણી નવીન સ્વાધ્ય પોતી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર ત્રણ સમજદાર નહીં જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ભાગ નંબર બેના પાના નંબર બાવીસથી એકત્રીસ ઉપર મળી જશે જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા આવેલા હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા પાઠ નંબર ત્રણ સમજદાર નહિ જેની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા સરસ મજાનું એક ચિત્ર આપેલું છે અને તે સમજદાર ન નહીં પાઠ વિશે સમજૂતી આપેલી છે હવે આપણે સોલ્યુશન જોવાના છીએ પ્રશ્ન નંબર એકથી જેમાં સહી વિકલ્પ ચૂંટણી सही का निशान कीजिए पहला प्रश्न छे नन्ही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू का क्या करता था तब बिच्छू डंख मारता था तो यहाँ आप राइट निशानी करीसूँ बीजू भलाई करना मेरा स्वभाव है ऐसा किसने कहा तो नन्ही ने कहा पची त्रिजु बिच्छू का स्वभाव कैसा था तो बिच्छू का स्वभाव डंक मारना था चार हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर नहीं करना चाहिए तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए प्रश्न मित्रों वाक्य को पढ़िए और उन्हें कहानी के घटनाक्रम में अनुसार लिखिए मित्रों कहानी आप अलग अलग घटनाक्रम आडावड़ा योग्य क्रम में गोटवाना है तो चलो पहली घटना नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला बीजी घटना लेकिन बदले में उसे उसने मुझे डंक मार दिया तीजी घटना अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी चौथी घटना माँ में उसकी गंदी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी और पांचवी घटना नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया एना पीछे प्रश्न बे त्रेनों प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहलू छे बिच्छू को क्या पछतावा हुआ तो मित्रों जवाब लखी सकाए बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि दो बार जीवन दान देने वाली बत्तक नन्ही को डंक मारने चला था बिजू बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने को क्या बताया जवाब बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है उसे चाहे कितनी बार बचाए जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा त्रीजा प्रश्न नन्ही ने बिच्छू को क्या बचाया जवाब बिच्छू दलदल में फंस गया था उसने नन्ही से प्रार्थना की बहन मुझे बचा लो नन्ही को इच्छ... बिच्छू पर दया आ गई इसलिए नन्ही ने बिच्छू को 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 बार बार बाहर निकाल कर बचाया प्रश्न नंबर चार नन्ही ने क्या निश्चय किया जवाब नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े पड़े को हमेशा बचाती रहेगी प्रश्न त्रन एनोबॉच है प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहलू है बिच्छू का स्वभाव आपको कैसा लगा क्यों जवाब बिच्छू का स्वभाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि ननी ने जब बिच्छू की मदद की तो उसने उसे डंक मार दिया बिजू यदि आप ननी की जगह होते तो क्या करते तो जवाब डंक मारना बिच्छू की आदत है जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है ननी स्वभाव के अच्छी हैं वह समझदार और उदार हैं उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया वह बिच्छू के व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है प्रश्न यदि बिच्छू की जगह आप होते तो नन्ही के साथ कैसा बर्ताव सोच सोचकर लिखिए तो जवाब यदि बिच्छू की जगह पर मैं होता तो लोगों को डंक मारने की बजाय उसका शुक्रिया अदा करता और उसकी मदद की सराहना करता ना कि उसे डंक मारता है प्रश्नचार एनुछ है संयुक्त वर्ण का उपयोग हुआ हो उसे शब्द को शब्दों को अस्मि से ढूंढ कर तो ये मित्रों क्ष तो क्षत्रिय दक्षिण क्षमा यदि क्र तो क्रम क्रिया कर्म त्र तो त्रिशूल नेत्र ने छात्र स्र तो श्रम श्रवण श्राप स्र बुद्ध शुद, शुद्ध शुद्र द्वि राजगद्दी रद्दी वद्दी बराबर आ रीते आप उपयोग कर सकें प्रश्न नंबर चार બ છે નિમ્નલિખિત શબ્દકોષ શબ્દકોષ મેં કે ક્રમ મેં લીખીએ તો અહીંયા મિત્રો જે શબ્દોકોષ શબ્દો આપેલા છે અને આપણે ક્રમમાં લખીએ તો સૌ પ્રથમ પહેલાં વ્યંજ સ્વર આવે પછી વ્યંજન ચાલુ થાય તો અહીંયા પહેલો આવશે ઉઠાકર બીજો આવશે દલદલ પછી નદી પર્વત પ્રસન્ન બતક ભલાઈ લાપરવાહી અને સમજદાર તો આવી રીતે આપણે શબ્દકોશને ક્રમમાં પણ ગોઠવી શકીએ પ્રશ્ન નંબર પાંચ નિમ્નલિખિત પરિચિતકો વઢીએ

करने से शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है चौथों मनुष्य का मन ही अच्छा तरह से केंद्रित करने से करने में सहायता कर सकता है तो जब से स्वस्थ पांच इस में तंदुरुस्त शब्द का समानार्थी तो स्वस्थ था छठो प्रश्न मित्रों आलसी शब्द का विलोम शब्द तो आलसी यानी उद्यमी सात इस परिच्छेद का उचित शीर्षक तो आपों मित्रों उचित शीर्षक से, से योग का महत्व हमें आप प्रश्न तरह इकाई में से पांच संज्ञा शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग करने का है जिसमें पहलू है नन्ही तो नन्ही एक बत्तख का नाम है बराबर एना पे मित्रों बीजू है स्थान मुंबई में देखने लायक कई स्थान है त्रीज मुसीबत मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की

ત્રીજો છે તેની અંદર પ્રશ્નાચિહ્ન આવશે ચોથામાં મિત્રો મા પછી અલ્પ વિરામ અને પૂર્ણ વિરામ આવશે ને પાંચ જેની અંદર મિત્રો છેલ્લે પ્રશ્નાચિહ્ન મૂકવાનું છે પ્રશ્ન આઠ ચિત્ર દેખા બતાવીએ કે ઈસકી બાદ ક્યાં ક્યાં હોવા ઓગા તો મિત્રો સરસ મજાનું ચિત્ર છે તમે જોઈ શકો છો એક્સિડન્ટ થયેલો છે અને એક્સિડન્ટ થયા પછી એકસો આઠ એમ્બ્યુલન્સ આવી છે બરાબર તો હવે આપણે આના આધારે પ્રશ્ન આપણે શું થયું છે આગળની ઘટના એ લખીએ तो इस चित्र में दो कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है पांच ही सड़क पर एम्बुलेंस एक खड़ी है दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा पुलिस भी तुरंत आ गई होगी उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी बराबर अभी रीते लिखी सकी है प्रश्न मित्रों नौ छः निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी लिखिए अँ मित्रों ते तो जोशो अलग अलग जो वाक्यों छे। बराबर छे ने भी है। तो से बराबर आ डावड़ा डावड़ाने आप योग्य क्रम में गोठविए तो अँवा वाक्य थे पहलू तालाब के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था बीज वाक्य था तालाब में एक मगर रहता था तीज वाक्य दोनों में मित्रता हुई चार बंदर हर रोज मगर को जामुन खिलाता था पाँच मगर अपनी पत्नी के लिए जामुन ले जाता था छ मगर की पत्नी को बंदर का कलेजा खाने की इच्छा हुई सात एक दिन मगर बंदर को अपने घर आने को न्योता देकर अपने साथ ले चला आठ बंदर ने कहा कलेजा तो मैं पेड़ पर सुखा कर आया हूँ नौ चलो उसे लेकर वापस आते हैं दस किनारे पर पहुँचते ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया अने अग्न चतुराई से बंदर ने अपनी जान बचाई तो आई रीते आप मित्रों योग्य घटनाक्रम में गोठी हुई आखी वार्ता ने प्रश्न मित्रों दस छबाण उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए तो अँ मित्रों पहलू दाल में खलगिया काला है तो दाल में कुछ काला है तो थी मित्रों। कुछ बराबर अब एना अखी दीजू है ये अपनी बातें खालगिया ही करती करते रहते हैं तो अपने आप ही करते रहते हैं तीजू नन्हीं को खलगिया पर दया आई तो नन्हही को उस पर दया आई चार भलाई करना खालग्या स्वभाव है तो उसका स्वभाव है ने पाँच अलग हर रोज पाठशाला जाता है तो वह हर रोज पाठशाला जाता जाते हैं एना मित्रों प्रश्न अगियार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो अँ मित्रों पहलू तो है स्वभाव तो स्वभाव यानी आदत यह मेरा स्वभाव है एनों वाक्य प्रयोग था बीजू है राह यानी पंथ सच्ची राह पर चलना मुश्किल है तीज प्रसन्न तो खुश मैं जीवन में, में प्रसन्न हूँ चौथो निर्दोष तो बेकसूर बेचारे निर्दोष को सजा मिली पांच सहसा तो एकाएक सहसा वह घबरा गया एना पीछे मित्रों प्रश्न बार से मुहावरे के सही अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए मित्रों यह मुहावरा आपेल है जीवनदान देना यानी मरने से बचा बचा लेना नया जीवन देना एनु वाक्य प्रयोग था डॉक्टर मरीज को जीवनदान देते हैं बीजू मर मन डोलना यानी विचार बदलना वाक्य प्रयोग थे डॉक्टर ने मना किया था फिर भी મીઠાઈ દેખર મેરા મન ડોલ ગયા ત્રીજું થિરકને લગના યાની કે ખુશીને સે નાચનાર તો સંગીત ચૂનતે સુનતે સુનતે થિરકને લગે ચોથું અંશૂની કરનાર યાની ધ્યાન ન દેના કોઈ સચ્ચી બાત કહે તો અનસૂની ના કરનાર બરાબર પછી મિત્રો પ્રશ્ન તેર છે નીચે દઈએ ગયા શબ્દો કો દેખ કર કહાની લીખીએ અહીંયા સરસ મજાનું મિત્રો જે આપણે આગળ કહાની લખી હતી એવી રીતે જ કહાની છે તો चलो अपने वे आ, कहानी नो पहलू शीर्षक आप दिए बंदर और मगर अथवा बंदर की चतुराई एना एनी मित्रों लखीये तो आ रीते लखा एक बंदर था व नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था पेड़ पर मीठी मीठी फल थे बंदर फल खाता और खुश रहता एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए मगर और बंदर में दोस्ती हो गई मगर मगर ने एक दिन कहा मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ अब तू भी तो मेरे घर चलो वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊँगा बंदर मगर की बातों में आ गया वह मगर की पीठ पर बैठ गया नदी के बीच पहुँच मगर बोला मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ बंदर घबराया मगर उसने बुद्धि से काम लिया उसने कहा अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रख कर आया हूँ तुम मुझे पहले कहते अब लौटकर किनारे चलो मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूँगा मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुँचा मन बंदर मगर को फिर से उछल कर पेड़ पर जा बैठा और बोला मूर्ख कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है वह तो हमारे शरीर में होता है भगवान की कृपा से मैं तेरे झाल में फंसने से बच गया इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई तो आवे रीते आप मित्रों चित्र आधारित वार्ता बना भी सकिए छे આશા રાખીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ મિત્રો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનો પણ ન